ইভিএম টেম্পাৰিঙৰ জৰিয়তেহে হাৰিয়ানাত জিকিল নেকি বিজেপি। ইভিএমক লৈ উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ। काउंटिंग के दौरान कुछ ऐसे ईवीएम मिले जिसमें 99% बैटरी पाई गई खुलने के बाद। अब इतने घंटे काम करने के बाद 99% बैटरी क्यों थी? और जिन बैटरीज में 99% बैटरी पाई गई वहां कांग्रेस की परफॉर्मेंस खराब थी। भूतगणनार समय ईवीएम बैटरी 99% चार्ज 99% चार्ज थका ईवीएम बेसि भूत पासे बीजेपी। কম চার্জ থকা ব্যাটারিত বেছি ভোট পাইছে কংগ্রেসে। প্রশ্ন, কেনেকৈ 99% চার্জ থাকিল ইভিএমৰ ব্যাটারিত? অপেক্ষাকৃত দূসরি কনস্টিটুয়েন্স দূসরি ইভিএম কে জহা ব্যাটারি কম থি, মতলব অনকহা আরোপ ইয়ে হে কি উন ইভিএম কে সাথ কুছ খিলওয়াড় কিয়া গয়া হে, ছেড়খানি কি গই হে, ভোটিং সমাপ্ত হোনে কে বাদ উনসে কুছ কিয়া গয়া হে। হরিয়ানার ফলাফলক লৈ বুধবারে এই অভিযোগ আনিছে যোগেন্দ্র যাদবে। মঙ্গলবাৰে ঘোষণা হয় হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল, কিন্তু এই ফলাফল আছিল অপ্ৰত্যাশিত। কাৰণ কোনো এটা এক্সিট পোলতে হাৰিয়ানাত বিজেপিয়ে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব বুলি সম্ভাৱনা প্ৰকাশ পোৱা নাছিল। তেনেক্ষেত্ৰত হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলক অপ্ৰত্যাশিত আখ্য দিছে বিভিন্ন মহলে। কিন্তু তাৰ মাজতে যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ অভিযোগ, হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনত সংঘটিত হ'ব পাৰে ইভিএম টেম্পাৰিং। हमारे पास अभी कोई प्रमाण इतना नहीं है उसको जांच करने का। चुनाव आयोग का जवाब भी मैंने पढ़ा, वो इतना टेक्निकल है कि मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, बैटरी और ये सब मुझे समझ नहीं आता। लेकिन मामला गंभीर है जिसकी जांच होनी चाहिए। যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ এই আশংকাৰ আঁৰত আছে কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ। কাৰণ হাৰিয়ানাৰ ফলাফলক লৈ ইতিমধ্যে এলানি গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ মতে ভোটগণনাত ইভিএম টেম্পাৰিং হ'ব পৰা বহুকেইটা প্ৰমাণেই লাভ কৰিছে দলটোৱে। কাৰণ দলটোৱে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি হাৰিয়ানাৰ প্ৰায় 3খন জিলাত ইভিএমৰ ব্যাপক বিসংগতি পৰিলক্ষিত হৈছে। और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य है जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं। अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, तीन जिलों से हिसार महेंद्रगढ़ पानीपत यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी। कांग्रेस और अभिजोग हिसार पानीपत के धोरी केबाखनो जिलार ईवीएम भोटगणनार समय पुआ गईसिल 99% चार्ज। 99% चार्ज थका एई समूह ईवीएम कम भोट लाभ करिसे कांग्रेसे। इफाले कम चार्ज थका ईवीएम अधिक भोट लाभ करिसे दलटोए। बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी। और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे। কংগ্ৰেছৰ এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ দাবী হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল আছিল অপ্ৰত্যাশিত। তেনে এক প্ৰেক্ষাপটত কংগ্ৰেছে না অভিযোগ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, স্পৰ্শকাতৰ। পহিলী বাত তো মই কহনা চাহতা হু ইয়ে কি চুনাৱ আয়োগ কি জিম্মেৱাৰী বনতি হে কি ইস সবকে বাৰে মে দেশ কো আশ্বস্ত কৰে, चुनाव फेयर हो, निष्पक्ष हो और जनता को दिखे कि निष्पक्ष है, दोनों जरूरी है। ये चुनाव आयोग कुछ समय से ऐसे काम नहीं कर रहा है, जनता के सामने पूरी स्थिति साफ करना। लोकसभा चुनाव के अंदर भी जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए दोनों में अंतर था, चुनाव आयोग ने आज तक स्पष्ट नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ है। तो चुनाव आयोग से इतना मेरा अनुरोध है, हो सकता है आपकी बात सही हो सकता है अभी से कांग्रेस की बात पर विश्वास न करें, लेकिन चुनाव आयोग जनता के सामने पूरे तथ्य रखे। अवश्य एक क्षेत्र निर्वाचन आयोग स्पष्टीकरण हम लक्षणीय। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, द क्रॉस करंट।